उत्तराखंड विधानसभा की बजट सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस विधायक ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज किया गया है, सभी आरोपों का जवाब दिया गया है। सदन के चौथे दिन भी हंगामा हुआ और लगातार कांग्रेस के विधायक कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में रहे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी है। सर, अभी सदन अभी चल रहा था, उसमें कई चीज़ें सामने आई, लेकिन क्या लगता है कि सरकार चलाने की मंशा में है? क्योंकि आप जिस तरीके से पहले भी कह रहे थे कि सरकार की मंशा नहीं है। देखिए, प्रथम दिवस से ही ऐसा आभास हो रहा था कि प्रदेश सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र पूरा आहूत नहीं करेगी करके। और क्योंकि जब महामहिम राज्यपाल जी का बजट भाषण पढ़ के सुनाया गया तो उसमें जब चर्चा होनी थी तो कम से कम चार दिन उसमें चर्चा में भाग हमारे साथियों ने लेना था, लेकिन नियम के विरुद्ध उन्होंने एक दिन में उसको वहीं पे विराम लगा दिया। उसके साथ साथ जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें सामान्य बजट में कम से कम तीन दिन की चर्चा, होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने विभागवार बजट में पूरी चर्चा करनी थी, उसमें अपनी सहभागिता करनी थी और अपने अपने क्षेत्र की, पूरे प्रदेश की समस्याओं को, जिसका उल्लेख नहीं किया गया बजट में, उसको रखना था। लेकिन एक दिन में सामान्य बजट और विभाग बजट में चर्चा करके इस सत्र को समाप्त कर दिया गया, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की, इस प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट झलकती है कि उस सत्र को बहुत कम दिनों में सीमित करना चाहिए। मात्र चार दिन ये बजट सत्र चला है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी, जिनका साफ कहना है कि सरकार की मंशा नहीं थी सत्र चलाने की और मात्र चार दिन में ही सत्र को समाप्त कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 8 उत्तराखंड।